आज हम लोगों ने एक कवच योजना लॉन्च की है। ये कवच कोई स्कीम नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की जिस तरह की स्थिति है, इसके तत्काल जो है कोई अस्थायी समाधान नहीं दिखाई पड़ने की सूरत में, चूंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई है, लोगों का मूवमेंट काफ़ी बढ़ा है, जो औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हुई हैं उसके रिगार्डिंग भी, कार्यालय रिस्टोर हुए हैं उसके रिगार्डिंग भी, तो ऐसी स्थिति में सबको कवच की ज़रूरत है। कवच बेसिकली कवच जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक जरिया है, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में कवच कहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग को लेकर अलग अलग कार्यालयों को, कार्य करने के स्थलों को, विभिन्न ग्रॉसरी शॉपकीपर्स को, जितनी दुकानें हैं उन सबको इसके दायरे में लाया जाएगा। बहुत सारे जो है इवन वीडियोज़ और जो एनिमेशन वीडियोस के जरिए हम लोगों को जागरूक करने का काम, फ्लैग्स पोस्टर के जरिए, वॉल पेंटिंग के जरिए, और सभी कार्यस्थलों पे, चाहे वो सरकारी हो या निजी कार्यस्थल हो, उन सभी कार्यस्थलों पे इस कवच की योजना को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बहुत डिटेल्ड आईसी प्लान प्रिपेयर किया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक तरह का एक रिमाइंडर होगा हर व्यक्ति के लिए, जहां नो 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 मास्क नो ग्रॉसरी जैसे स्लोगन लिखे होंगे, हाथ धुलकर ही जो है घर के भीतर प्रवेश करें, ऐसी कई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग जगह जगह पे लगाएंगे, और इसको लेकर बहुत डिटेल वर्चुअल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और जितने और इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसका हम लोग इस्तेमाल। अब प्रोजेक्ट कामगार बेसिकली जब हम लोगों ने सरल डैशबोर्ड बनाया था तो उसमें स्किल मैपिंग की गई थी, बड़ी संख्या में बोकारो ज़िले के भीतर अलग अलग हिस्सों से लोग वापस लौट कर आए हैं और वो अलग अलग स्किल में वो पारंगत हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई नर्स है, कोई लेथ की मशीन चलाया करता है, और ऐसे लोगों के पास आज काम की दिक्कत है। और जो लोग नरेगा में या किसी तरह के मैसन वर्क में काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी भी एक बड़ी आमद है, बड़ी संख्या। इन सभी लोगों को एंगेज कराने के लिए हम लोगों ने कई औद्योगिक इकाइयों से बातचीत की है, कई MSME को इसके लिए इम्प्रेस करा है, और उसी को उनको अगर स्थानीय लोगों की ज़रूरत है, अगर किसी व्यक्ति को कारपेंटर की आवश्यकता है या किसी टेक्निकल लेथ मशीन ऑपरेटर की ज़रूरत है या JCB चालक की ज़रूरत है, उसके लिए प्रोजेक्ट कामगार एक लाइव डैशबोर्ड है, लाइव वेबसाइट है बेसिकली, जिसपे कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कि उनको अगर 50-100 की संख्या में मजदूरों की ज़रूरत है तो रजिस्टर करके अपनी रिक्वेस्ट फ्लोट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट कामगार के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, उसको कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ आती है या इवन नॉन टेक्निकल चीज़ आती है और उसको काम की ज़रूरत है, वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आज की तारीख में तकरीबन जो है 10 से 15 हज़ार लोगों का जो है 10 हज़ार से ज़्यादा लोगों का लाइव इन्फॉर्मेशन जो है उस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। कई लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट कामगार के तहत पहले चरण में हम लोगों ने इस सप्ताह के अंत तक 500 लोगों को रोज़गार देने की प्लानिंग कर ली है। संभवतः शनिवार को एक कार्यक्रम करके हम सभी लोगों को जो है ऑफर लेटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर, नहीं हम लोग इसको जो है उनके पर्सनल नेगोशिएशन पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लेबर डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करती है। अगर कोई कंप्लेन किसी जगह से आती है, किसी जगह से कोई कंप्लेन अगर हमारे लेबर डिपार्टमेंट को या हमारे ऑफिस तक आती है, तो निश्चित तौर से लेबर डिपार्टमेंट इंटरवीन करके उसका कोई ना कोई जो है सही समाधान जो है जो वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनके पक्ष में निकालेंगे। बड़ी संख्या में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रेस लेवल है, जो बाहर से लोग आए हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनको उनके योग्यता के हिसाब से काम मिल सके, ये बेहद ज़रूरी है। कई बार लोगों ने मजबूरी में मजदूरी की इच्छा या नरेगा में काम करने की इच्छा ज़रूर जताई है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर है तो निश्चित तौर से ड्राइविंग उसका पहला प्रेफरेंस है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल लोगों के साथ जो मैपिंग की जा रही है उसमें उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिल जाए, और मोटे तौर पे जो काम खोजने का संकट है उसको एक हद तक जिला प्रशासन दूर। न्यूजलेंस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है